पीछे के पहिए घूमते आसानी से। ये हमने इसके अंदर डीजल इंजन लगाया हुआ है कामा कंपनी का, सेल्फ स्टार्ट है, कोई आपको रस्सी भी खींच सकते हैं अगर आपकी बैटरी वगैरह डाउन है तो रस्सी से दोनों भी काम है। जी जी जी। और अच्छा। आगे जो अगर हम इसकी बात करें, मैं आपको किसानों को दिखाना चाहता हूँ, इसके अंदर जो है ये रीपर वाइंडर 4 फीट का रीपर वाइंडर है जो कटिंग कर करके जो है ये पूरा बांध कर इस तरफ गिराता रहेगा। अच्छा। इसमें जो है छोटी फसल आप देख सकते हैं, ये तीन दोनों काम करता है, छोटी फसलें भी काटता है क्योंकि इसके ये नीचे के जो है ये छोटी फसलों को काटने के काम आते हैं, और ये जो ऊपर वाले हैं जैसे कि हमारी बड़ी फसलें, नीचे वाली सरसों वगैरह काटनी हो, ऊपर गेहूं वगैरह काटनी हो, उसको काटने में काम आता है। इसके अंदर जो है ये हाइड्रोलिक ऑपरेटेड है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोलिक पंप लगा के जो है, अब जैसे कि कटाई नहीं कर रहे तो ऊपर कर लीजिए, या कुछ किसान चाहते हैं कि वो थोड़ा ऊपर से, जैसे कि हमारे वेस्ट बंगाल के जो है वो उनके वहाँ पे पानी में ही वो कटिंग करते हैं, तो वो चाहते हैं कि जो है वो तकरीबन 6-8 इंच ऊपर से काटे ताकि वहीं से धान दोबारा लग जाए, तो वो भी इससे कर सकते हैं। इसके ऊपर जो है आप इसमें देख सकते हैं, इसमें टोटल जो है आपको 4 गियर मिलेंगे, 3 आगे के गियर, पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर और रिवर्स गियर। 3 गियर जो है इसके अंदर आगे के हैं, 1 गियर पीछे का है, और इसके पीछे हमने जो है ये हुक वगैरह भी दी है, तो अगर किसी किसान को कोई ट्रॉली वगैरह लगानी है, कुछ और चीज़ लगानी है ट्रॉली में, जैसे कि काट के हमने लेकर आना है, ये वो काम भी साथ के साथ कर सकते हैं, कुछ हरा चारा जैसे काट के लेके आना है वो ट्रॉली में फेंक के आसानी से लेके आ सकते हैं। ईजी ड्राइव है, पावर स्टीयरिंग वगैरह दिए हुए हैं, कोई मुश्किल नहीं है घुमाने वगैरह करने में, टर्न करने में। पीछे के जो टायर है वो ठोस रबड़ के दिए गए हैं, ट्यूबलेस टायर, मतलब इसमें ट्यूब है ही नहीं है, पिंचर का झाड़ खत्म, बेटर पूरा का पूरा रबड़ ही है, चाहे इसके अंदर कील भी खुबो दो वो कील वैसी घूमती रहेगी, कोई लीक नहीं करेगी। आगे के टायर हमने बड़े ट्रैक्टर गुड्डी वाले दिए हैं, जैसे ट्रैक्टर में दिए होते हैं, ताकि पकड़ अच्छी बनी रहे, मिट्टी गीली है, चिकनी है, सूखी है, तो टायर वगैरह स्लिप वगैरह ना करें। हमारी जो है रीपर में तो बहुत ज़्यादा स्पेशलिटी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास तरह तरह के रीपर खड़े हैं, डीजल इंजन में, पेट्रोल इंजन में। इसमें जो है पेट्रोल इंजन के अंदर हमने होंडा का, देखिए हमने होंडा का इंजन लगाया है, होंडा का 7 HP का इसके अंदर इंजन लगा हुआ है, GX200। ये जो है 4 फीट का रीपर है जो धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, चना, ये सब चीज़ें काटता है, सरसों भी काट सकता है ना। जी जी जी। ये जो है अपना 7-8 फुट ऊंची जो फसलें हैं उसको भी काट देता है, और नीचे से नीचे जो है अलग अलग मॉडल 1 फीट से लेके 8 फीट तक की जो फसलें आसानी से काट देते हैं। इसके अंदर भी हमारे पास डीजल इंजन में भी उपलब्ध है, पेट्रोल इंजन में, पेट्रोल इंजन में हम अपना भी लगाते हैं, ये हमने होंडा का इसके अंदर लगाया हुआ है। इसके साथ इसमें 3 गियर हैं, 2 गियर आगे के हैं और 1 गियर पीछे का है। इसमें भी हमने जो है LED लाइट वगैरह दी है साथ में, ताकि जो है दिन रात आप आसानी से जो है काम किसान हमारा कर सकता है। इसमें ये जो है इसकी रेस है, अब जितना अपना रेस है उस हिसाब से है। इसमें हमने स्पेशल ये शीट तैयार करी है जिसके ऊपर जो है आदमी बैठ के आसानी से रीपर को चला सकता है, अगर उसके उसको लंबा खेत में काटना है या उसको कहीं एक जगह से दूसरी जगह दूर लेके जाना है तो वो बैठकर भी इसको चला सकता है। ये सीट एक्स्ट्रा है, अगर कोई इसको चलकर कटिंग करना चाहता है तो वो आगे से हुक उठा के पैदल चलकर भी कटिंग कर सकता है। चैन वाला ये रीपर है, बेल्ट वाला नहीं है, क्योंकि बेल्ट वाले में जो दिक्कत आती थी कि जैसे पटा वगैरह खींच जाता था गर्मियों के मौसम में, ज़्यादा गर्मी गर्म होकर पटा टूट जाता था, इसमें वो दिक्कत नहीं है, चैन है, सालों सालों की लाइफ है। जो ब्लेड है वो भी इसके जो है 300 एकड़ की कटिंग के बाद जो है वो बदले जाते हैं। इसके जो हमने ब्लेड तैयार करे हैं वो स्पेशल ब्लेड तैयार करे, मैं आपको दिखाता हूँ, स्पेशल फॉर्जिंग के ब्लेड है। आम जो ब्लेड होते हैं वो चद्दर काट कर बनाए जाते हैं, ये जो है ये चद्दर काट के नहीं, ये फॉर्जिंग के ब्लेड हैं, जिसकी वजह से 300 एकड़ की कटिंग के बाद जो है इन्हें बदलना पड़ता है। और इसमें जो है आपको जो है देखिए चौड़े टायर दिए जाते हैं, ताकि अगर आपके खेत में पानी भी खड़ा है तब भी ये जो है टायर स्लिप वगैरह नहीं मारे, चौड़े टायर दिए हैं अच्छी पकड़ के लिए। लंबा हैंडल दिया हुआ है जिससे आप इसको घुमा सकते हैं। इसके अंदर डिफरेंशियल दिया हुआ है, दोनों टायरों में अपनी अपनी ब्रेक है, अगर कोई किसान भाई इसको दाएं मोड़ना चाहता है वो दाएं की ब्रेक दबाए, बाएं मोड़ना चाहता है तो बाएं की ब्रेक दबाए। इसका रीपर का अपना अलग से गियर है, रीपर का गियर डालेंगे तभी रीपर घूमेगा, नहीं तो खाली टायर घूमते रहेंगे। और पेट्रोल इंजन है तो एवरेज बहुत अच्छी आती है, 1 घंटे का मात्र 1.5 लीटर जो है ये पेट्रोल लेता है, और 1 घंटे के अंदर आपका 1 एकड़ की कटिंग बड़ी आसानी से हंसकर कर देता है। सर बहुत से किसान भाई बेरोजगार बैठे हैं, युवा किसान, तो वो इस मशीन के माध्यम से काफ़ी अच्छी आमदनी घर बैठे कर सकते हैं। जी जी जी। इससे अब वो है अपना गेहूं की कटाई, धान की कटाई, सोयाबीन की कटाई वगैरह कर सकते हैं। सोयाबीन के लिए जो है मैं दिखाना चाहूँगा किसानों को, हमने स्पेशल रीपर तैयार करा है,
ये जो है रीपर आप देख सकते हैं, आम रीपर इस तरीके के होते हैं। ये रीपर की जो हमने चेन और कन्वेयर नीचे को रखी हुई है, इसमें जो है आप अपना एक फुट की फसल जैसे चने की फसल, सोयाबीन की फसल, या जो हमारे पशुपालन करते हैं उनको बरसीम वगैरह की कटिंग जो है वो करने की दिक्कत आती है, तो उससे जो है ये आसानी से इससे कटिंग कर सकते हैं। बरसीम की कटिंग, चना की, सोयाबीन की, धान गेहूँ की कटाई भी कर सकते हैं। इन दोनों रीपरों में फ़र्क सिर्फ ये है कि ये जो है कम से कम 2-2.5 फीट की जो फसल हो छोटी सबसे वो कटिंग की करता है, ये जो है 1 फीट से जो है फसल की कटाई शुरू कर देता है। और इसमें भी हमने होंडा का इंजन लगाया हुआ है, चौड़े टायर दिए हुए हैं, सारा चेन से चलित है, और इसमें भी जो है पूरा सिस्टम आपको है वैसा ही मिलेगा, दोनों सेम है वैसे। जी जी जी। अच्छा सर, सर वो लास्ट वाला है वो डीजल वाला है? वो डीजल इंजन है, इसमें हमने 10 हॉर्स पावर का डीजल इंजन लगाया कामा कंपनी का, उसमें भी चौड़े टायर दिए, 4 फुट का ही रीपर है। सर कोई किसान भाई अगर ये मशीन खरीदना चाहता है ये रीपर, तो क्या प्रोसेस रहेगा इसका? सर इसके जो मशीन को ख़रीदने का जो है वो आपको मैं प्रोसेस बताता हूँ। जो भी कंपनी, जो भी किसान भाई इसको ख़रीदना चाहता है वो स्क्रीन के नीचे दिए हुए नंबरों के ऊपर वो संपर्क कर सकता है, इसके बारे में जानकारी ले सकता है, और जानकारी के माध्यम से जब उसकी संतुष्टि होगी तो इसकी मशीन की कीमत 10,000 रुपये बुकिंग अमाउंट वो इस मशीन की कंपनी के अकाउंट में डाल सकता है और इस मशीन को बुक करा सकता है। बुकिंग के बाद मशीन जब उसके लोकल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में पहुंचगी तब बाकी का पैसा देके मशीन ले सकता है, कैश ऑन डिलीवरी ले सकता है। प्राइस की? अच्छा, कोई किसान भाई अगर इससे कटाई करता है, कटाई के वक्त कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मशीन के साथ कोई स्पेयर पार्ट्स वगैरह देते हैं? जी, ये जो है जैसे मैंने आपको बताया कटाई का सीज़न बहुत ही महत्वपूर्ण सीज़न होता है, सीज़न का ही काम होता है, उसके बाद तो मशीन बिल्कुल फ्री हो जाती है। तो जैसे कि अगर कोई जैसे मशीन चलती है तो कोई तार टूट जाती है, कोई ब्लेड टूट जाता है, कोई फर टूट जाता है, तो इसके लिए हम किसान भाई को ये किट बना के साथ में देते हैं, जिसके अंदर आप किसान भाई देख सकते हैं कि हमने इसके अंदर आपको ये जो है 2 फिरकियाँ दी हुई हैं, साथ में आपको जो है चेन की टुकड़ियाँ, अगर कोई चेन का एक आधा टुकड़ा आपका टूट गया वो आप बदल सकते हैं, साथ ही में आपको 4 ब्लेड मिलते हैं एक्स्ट्रा कि अगर कोई एक आधा ब्लेड पत्थर वगैरह में बच के टूट गया तो आप बदल सकते हैं, ये सारे चेन के लॉक वगैरह दिए जाते हैं, और साथ ही में आपको जो है किसान भाइयों को ये 2 फर साथ में दिए जाते हैं, अगर कोई घिस गया या किसी चीज़ में बज के टूट गया तो वो किसान भाई आसानी से बदल सकता है। साथ ही में आपको जो है ये दोनों ब्रेक की तार साथ में तो लगी हुई है, एक एक एक्स्ट्रा सेट भी दिया जाता है, रेस वाली तार का एक्स्ट्रा सेट दिया जाता है, रेस वाली चीड़ी का सेट एक्स्ट्रा दिया जाता है। ये चीज़ें तो छोटी छोटी होती है बट अगर ये ख़राब हो गई तो मशीन रुक जाती है और जो किसान का जो पैसा वो फंस जाता है। तो इनको देखते हुए तकरीबन 5,000 से 7,000 का सामान जो है किसानों को मशीन के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट पहले ही दे देते हैं, ताकि अगर कोई ख़राबी आ जाती है तो उसको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, अपनी किट में से सामान लगा के बदल कर अपना जो काम वो चलाता रहे। अच्छा, और वैसे भी हमने इंजन जो है होंडा का इंजन दिया है तो इंजन की तरफ उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, ISI इंजन लगा हुआ है भारत से, देखिए ISI हमारा इंजन लगाया हुआ है होंडा का, जिसके साथ में आप देख सकते हैं एक ये होंडा की इंजन की टूल किट आती है, और साथ ही में एक ऐसी किताब आती है जिसमें आप देख सकते हैं होंडा का जनरल इंजन है, जिसमें आपको इसके साथ में आपको दिखाना चाहूँगा किसान भाइयों, ये देखिए ये सर्विस के कूपन है, इसकी जो है एक सर्विस जो है वो फ्री करी जाती है, वो किसी भी नज़दीकी होंडा डीलर से जो है किसान ले जाकर इस मशीन की जो इंजन की सर्विस करा सकता है। इसमें सारा इसका वारंटी का हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में इसके अंदर लिखा गया है। जो इंजन की तरफ से तो किसान भाइयों को सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इंजन मैं लोगों को बोलूँगा कि वो होंडा का ही लें, होंडा का लेने के 2-3 का बेनिफिट है, एक तो सर्विस आसानी से मिल जाती है, कंपनी का इंजन है तो बंदा चिंता नहीं होती है कि कल को ख़राबी होगी कल क्या करेंगे, कुछ स्पेयर पार्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और एवरेज बहुत अच्छी आती है, तेल की बचत होती है, और जो लाइफ है वो 15 से 20 साल इनकी गिनी जाती है। सर आप बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में, इसकी कीमत क्या होने वाली है? जी वैसे तो हमने इसकी जो प्राइसिंग है वो जैसे आप देख सकते हैं पिछले 1-1.5 साल में लोहा चीज़ें सब चीज़ें बहुत तेज़ बढ़ी हैं, तो हमारी भी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, बट हमने अपना जो है वो लागत को कंट्रोल करते हुए हमने जो है कुछ जो कीमत बढ़ती है वो अपने आप खुद अपने अंदर लेते हुए मैनेज करते हुए कीमत बहुत ही कम निकाली है। वैसे तो इसका जो रेट है वो 1,40,000 है जो मार्केट में दिया जाता है, बट हम जो किसानों को वो है किसान भाई जो हमारे जैसे बेरोजगार काम शुरू करना चाहते हैं युवा किसान, हाँ युवा किसान, तो उनकी लागत ना बढ़े इसलिए इसकी जो कीमत है 1,32,000 रुपये रखी गई है होंडा इंजन के साथ। अगर किसी को हमारी कंपनी का इंजन पसंद है वो हमारी कंपनी का इंजन लगाना चाहता है तो उसके साथ उसको कीमत पड़ेगी 1,17,000 की, होंडा इंजन के साथ 1,32,000 की। अगर कोई किसान भाई जैसे ये 1 फुट वाला स्पेशल रीपर जो हमने तैयार किया सोयाबीन बसीम चना की कटिंग के लिए, तो इसमें जो हमारी कंपनी की थोड़ी लागत बढ़ी है क्योंकि स्पेशल डाइयाँ वगैरह बनी हैं, और ये इसकी जो कीमत है ये 1,37,000 5,000 रुपये उससे कीमत ज़्यादा 1,37,000 का पड़ेगा। और अगर कोई किसान भाई इसको डीजल इंजन में लेना चाहता है
9 पावर का सेल्फ स्टार्ट वाला डीजल इंजन इसके साथ लेना चाहता है तो उसको जो है इसकी कीमत पड़ेगी 1,42,000 रुपये। 1,42,000 में डीजल का जो है उसको इंजन मिल जाएगा, बाकी मशीन जो है वो वहीं की वहीं रहेगी। और अगर कोई किसान भाई, जैसे मैं बता रहा था कि आपको जो है बैठ कर कटिंग करना चाहता है, तो उसको जो है ये शीट मिल सकती है, वो शीट इसको ले सकता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने छोटे छोटे टायर भी लगाए हैं, इसके ऊपर जो है आदमी आसानी से जो है बैठ सकता है। और इसमें अंदर नीचे हमने चिमटे भी लगाए हैं, जो चीज़ें आप देख सकते हैं कि हटके करी है, हमने नीचे इसके चिमटे लगाए हैं, जो जिससे जो है अगर खेत ऊबड़ खाबड़ है, रास्ते ऊबड़ खाबड़ है, तो आपको कोई दिक्कत तकलीफ होने वाली नहीं है, ये सीट अपने आप जो है वो एडजस्ट करती रहेगी। अच्छा जी, तो इसकी सीट की जो कीमत है वो 18,500 रुपया है। अगर कोई किसान भाई लेना चाहता है तो इसको अलग से ले सकता है। सर, अब कोई किसान भाई जैसे ये वीडियो देख रहा है, ठीक है, वो अगर अपने शहर में इसकी डीलरशिप लेना चाहता है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डीलरशिप के लिए भी वो वैसे ही प्रोसेसर, नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क करें, अपनी शॉप का फोटो, GST नंबर भेजें और बताएं कि आप डीलरशिप लेना चाहते हैं। फिर उसके बाद हम आपको सारी फॉर्मेलिटियाँ बताएंगे, वो पूरी करके आप इस मशीन की डीलरशिप ले सकते हैं और अपने इलाके में जो है किसानों को खुश करके बढ़िया मशीनें दे सकते हैं और अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं, रोज़गार अच्छा कर सकते हैं। सर, कम से कम कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कम से कम बताएं? 2-3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है वो मिनिमम है, क्योंकि आप मान सके 1-1.25 लाख की तो एक मशीन ही है, तो अगर 2-3 मशीनें रखेंगे तो तकरीबन 3 लाख के आसपास की इन्वेस्टमेंट जो है वो गिनी जाती है। सर, एक बार आप बताएं कि आपकी कंपनी, जैसे आपका नाम है राज एग्रो इंजीनियर जो है हमारी कंपनी का नाम है, हमारी जो कंपनी है वो पंजाब में लुधियाना के पास अहमदगढ़ शहर है वहाँ पर स्थित है। हमारी जो कंपनी है भारत के कृषि मंत्रालय से इसे मान्यता प्राप्त मिली हुई है, 30 साल से भी ज़्यादा पुरानी कंपनी है, जिसके ऊपर किसानों का बहुत ही ज़्यादा भरोसा है और बहुत ही उम्दा टॉप क्वालिटी जो है हम किसानों को बहुत ही वाजब दाम में देते हैं। सर, आप इसे स्प्रे टैंक भी बनाते हैं? जी, हम बहुत तरीके के तकरीबन काफ़ी वैरायटी की हम मशीनरी, खेत तैयार करने से लेकर बिजाई, उसकी सिंचाई, उसके ऊपर स्प्रे करना, उसकी कटाई, उस खेत को दोबारा तैयार करना, जुताई वगैरह, ये सब चीज़ें जो है हमारे अंदर बनती हैं। मतलब किसान को जो भी इम्प्लीमेंट चाहिए आपकी फैक्ट्री में सभी प्रकार के इम्प्लीमेंट मिलेंगे? उसकी किसान की हर रिक्वायरमेंट जो है वो हम पूरी कर सकते हैं। कोई भी किसान भाई, उसकी कोई भी रिक्वायरमेंट है, हमें संपर्क करे, बताए कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, हम उसको टॉप क्वालिटी में, बहुत ही मार्केट में रेट कहीं भी कंपेयर कर ले उस क्वालिटी में, उसको वो रेट नहीं मिलेगा। और भाई, सर की एक मुझे सबसे अच्छी लगी जो ट्रॉली है, ट्रॉली में इन्होंने खास टेक्निक यूज़ की है, ट्रॉली की वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगी, उसमें ब्रेक वाली ट्रॉली है और उसकी वीडियो अलग से आप लोग जरूर देखना। हमारी मशीनें जो है इसमें कई चीज़ें लग सकती है, इस मशीन में भी जो है ट्रॉली वगैरह लगा के किसान अपना काम कर सकता है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी।